पुरुष जनुथ्रिया, इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास सिक्स साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर वन है भोजन के घटक, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन्स, ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रफेज एंड वाटर, ये भी कंपलसरी है। ठीक है, हमारे भोजन के लिए कंपलसरी है रफेज एंड वाटर। बाकी का मेन पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के नाम लिखिए का पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो पोषक जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से एनर्जी देते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बाकी फैट जो होते हैं वो भी हमें एनर्जी देते हैं, इवन कार्बोहाइड्रेट से चार गुना ज़्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन मेन सोर्स है जो एनर्जी का वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सभी जगह जो भी मीठे फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें जो फ्रक्टोज के रूप में पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, हमारे जो गेहूँ, चावल, अनाज जो भी हम सब खाते हैं उन सब में जो मेन सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें एनर्जी देता है। अगला क्वेश्चन है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, रिपेयरिंग के लिए, तो वो कौन सा है? वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या पर बॉडी बिल्डिंग का काम करता है प्रोटीन। ठीक है, अगला है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए जो होता है हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम। सभी ने सुना होगा इसके बारे में, भाई दूध से हमें कैल्शियम की पूर्ति होती है। ठीक है, तो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। ठीक है, तो पहला देखते हैं बसा। ठीक है, बसा में जितना हो गया क्या, सोयाबीन ऑयल हो गया, ठीक है, घी हो गया अपना, ये सारे जो होते हैं वो बसा में आते हैं। ठीक है, मंड की बात की जाए तो आलू वगैरह हो गया, शकरकंदी हो गई, ये मंड हो गए। ठीक है, स्टार्च जिसको फूड स्टोरेज होता है प्लांट वगैरह में। ठीक है, अगला आहारी रेशे, ठीक है, डाइट्री फाइबर जिन्हें बोला जाता है, या फिर रफेज जिन्हें बोला जाता है। तो जो प्लांट सोर्स जो हमें प्लांट सोर्स से प्राप्त होते हैं, प्लांट सोर्स से जितने भी प्राप्त हो रहे हैं वो डाइट्री फाइबर्स में आते हैं। ठीक है, जिनमें सेलुलोज की प्रेजेंस पाई जाती है, जितने भी हैं जिनमें सेलुलोज की प्रेजेंस पाई जा रही है उन सभी में डाइट्री फाइबर या रफेज पाए जाते हैं। ठीक है, जितनी भी सारी दाल वगैरह हो गई, ठीक है, ये सारे जो हैं आहारी रेशे होते हैं। अगला हो गया प्रोटीन। प्रोटीन का अगर एनिमल सोर्स की बात की जाए, दूध, अंडा, मछली वगैरह, ठीक है, और अगर प्लांट सोर्स की बात की जाए तो इसमें अगेन दाल वगैरह, जितनी भी तरह की जो दाल वगैरह आती है, मांस वगैरह, वो सॉरी प्लांट सोर्स में मांस नहीं आएगा, प्लांट सोर्स में जितनी भी दाल वगैरह हैं वो सारी प्रोटीन की भरपूर होती हैं, प्रोटीन से भरपूर होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें सही कथन को चुनिए, मतलब टिक करना है। क्या चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, केवल चावल खाने से हमें सारी पूर्ति नहीं होगी। मैं केवल चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है ना, अब कार्बोहाइड्रेट से हमें खनिज मिल जाए, हमें विटामिन्स मिल जाए और मतलब प्रोटीन वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाए, वो तो पॉसिबल है नहीं ना। केवल चावल खाने से हमें सारी आवश्यकताएँ नहीं होंगी। तो क्रॉस, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दो तीन तरह के आहार हों उसमें काफ़ी सारी पूर्ति हो जाती है। कई सारे खाने ऐसे होते हैं या इवन सारे खाने ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा नहीं है कि सिंगल पोषक तत्व पाया जा रहा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, उसमें प्रोटीन भी पाया जाएगा, उसमें फैट भी पाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि किसी में फैट ना हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हो सकता है किसी में खनिज और कार्बोहाइड्रेट हो सकता है किसी में खनिज हो फैट हो, किसी में खनिज हो प्रोटीन हो, किसी में विटामिन हो, मतलब ऐसे करके दो तीन चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, दाल वगैरह जो होती है उसमें दाल वगैरह हो गई, ठीक है, इनमें क्या होगी रफीज वगैरह भी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या प्रोटीन वगैरह भी होती है। ठीक है, ये सारी हमें एनर्जी बॉडी बिल्डिंग का काम वगैरह करती है, तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक चीज़ की ज़रूरत हो हमें। ठीक है, आगे ये क्रॉस हो गया। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त बिल्कुल नहीं है।
भाई माँ से हमें जो विटामिन ए जो हमें मिल रहा है वो हमें माँ से थोड़ी मिल जाएगा, विटामिन बी चाहिए हमें, विटामिन सी चाहिए, ये मिल थोड़ी जाए, विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, वो खट्टे फ्रूट से मिलेगा। तो विटामिन सी के लिए हमें खट्टे फ्रूट खाने पड़ेंगे, ओनली माँ से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो डॉट 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 विटामिन डी के अभाव से होता है तो रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, रिकेट्स। डैश 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 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है तो विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से क्या होता है, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी से क्या होगा, स्कर्वी। ओके, और हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी होता है तो विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमारे पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।